आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। बिजनौर जिले में आज लोकसभा प्रत्याशी कर रहे हैं अपना नामांकन। अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे हैं नामांकन करने के लिए। बीजेपी से भारतेंदु सिंह दोबारा पर्चा दाखिल करने आए एंड मौके पर बीजेपी ने भारतेंदु सिंह का टिकट फाइनल किया है। वहीं दूसरी तरफ अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे हैं नामांकन करने के लिए महागठबंधन से मलूक नागर पर्चा दाखिल करने आए। हमारी सरकार की नीतियां जो हैं वो बहुत बढ़िया रही हैं। जमीन पर गरीबों की सहायता हुई है, निष्पक्ष सहायता की गई है, कोई इसमें लालच मतदान का नहीं देखा गया है। तो आज पूरा समाज ये कह रहा है कि मोदी जैसा ईमानदार और इस भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जैसी बढ़िया सरकार पहले नहीं आई है। जितना गरीबों का ध्यान रखा गया, जिसने जितना देश के स्वाभिमान का ध्यान रखा गया, अर्थव्यवस्था का ध्यान रखा गया, गरीबों की चाहे उनकी चिकित्सा हो, चाहे उनके शौचालय हो, चाहे उनका स्वच्छ भारत अभियान से उनके घर बनवाने हो, गैस कनेक्शन दिलवानी हो, ये सारे काम हुए हैं, बहुत बहुत बड़ी और बहुत सफलता से हुए हैं। इस वजह से ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे सफल सरकार और ऐसे सफल प्रधानमंत्री का प्रतिनिधित्व करने आज फिर से अपने बिजनौर की जनता के बीच में। जनता चाहती है एक बार फिर मोदी सरकार। आप इससे अपना मुकाबला मानते हैं? तीन प्रत्याशी आप हैं, तीनों में दोनों में से आपका किससे मुकाबला है? हमारा मुकाबला तो ये है कि हम पिछली दफा से ज्यादा वोट लाएं, पिछले दफा से ज्यादा एमपी जीते। हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप सब जानते हैं उनका कद इतना ऊंचा है कि कोई उनके बराबर आ ही नहीं रहा। वैसे तो विपक्ष अभी यही नहीं तय कर पा रहा कि इनके नेता कौन है। जितनी पार्टियां हैं उतने ही प्रधानमंत्री प्रत्याशी।